हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सावन का पहला सोमवार है और मेरी वीडियो का आज थर्ड डे है। तो आज मैं आपके साथ कैसे स्पेंड करती हूँ, तो आज पूरा दिन चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए, इंटरेस्ट बनाए रखिए। मोटिवेशन मिलेगा अगर आप व्यू बढ़ाएंगे। तो चलिए अब मैं कैसे शुरू करती हूँ, तो पहले करूंगी मैं थोड़ा घर का काम, उसके बाद पूजा करूंगी और उसके बाद मंदिर जाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज एक क्रिस्पी शिमला मिर्च बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा फ्राई किया है, 3-4 शिमला मिर्च ली हैं और 3-4 आलू, इनको डीप फ्राई किया है और प्याज को हल्का हल्का भूनूंगी, तो इससे मैं एक अलग टेस्टी शिमला मिर्च की सब्जी तैयार करूंगी और आप खा के आपको बताती हूँ कैसी। और अब ये बनाऊंगी मैं व्रत के आलू, और ये बनाए मैंने व्रत के आलू, दही के साथ इन्हें खाएंगे। आज सावन का सोमवार है और अब आज मैं व्रत रखूंगी, और अभी मैंने घर में पूजा करी है, आज मैं मंदिर जाके अब मंदिर अपने मंदिर में पूजा करके जरा सोसाइटी के मंदिर होके आते हैं। और अब हम मंदिर पर आ गए हैं, मंदिर में शिव पे जल चढ़ा के आते हैं। आज सोमवार पहला एज के अनुसार व्रत रखने की क्षमता थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन भगवान में थोड़ी श्रद्धा भी बनाए रखनी चाहिए। तो मैं अभी इसीलिए व्रत रख रही हूँ, सावन के सभी सोमवार रखती हूँ, एक शिवरात्रि आती है बीच में तो उसका रखते हैं। व्रत रखना बुरी चीज़ नहीं है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सभी कोई जो जो रख सकते हैं उनको रखना चाहिए, इससे भगवान में आस्था बनी रहती है और मंदिर के द्वार भी इसी वजह से खुले रहते हैं, अदरवाइज बंद भी हो गए थे। तो हम अगर मंदिर में नहीं जाएंगे तो मंदिर कैसे खुलेंगे, तो इसीलिए हम मंदिर होके आ रहे हैं। अब अपने घर जाएंगे, थोड़ा फलाहार करेंगे और शाम में थोड़ा जो भी है बिना लहसुन प्याज का खाना खाएंगे। शाम को खाएंगे खाना, अभी फलाहार करेंगे। ऐसे ही हम रखते हैं सोमवार के व्रत हमेशा से, सावन के 5 सोमवार या 4 जो भी होते हैं, एक शिवरात्रि होती है। और आलू के साथ लिया है हमने थोड़ा सैलेड और फलाहार करने के बाद अब थोड़ी देर आराम करेंगे और शाम में मैं व्रत का खाना बनाऊंगी और बस इसी तरह से व्रत पूरा हो जाता है। और अभी तक तो सभी सावन के सोमवार में हम रखते ही हैं और ज़्यादातर लोग रखते हैं, हिंदू धर्म में सभी रखते हैं। और शाम के खाने की हम तैयारी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे क्या खाते हैं हम। और ऐसे ही मंडे के फास्ट को एंजॉय करते हुए अपने ब्लॉग को पूरा करूंगी। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, अभी हम चाय पियेंगे, शशांक बना रहे हैं। शाम के खाने के लिए लौकी की सब्जी बनाई है और आलू की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं और खीरे का रायता बना रहे हैं। ये हमारे सोमवार के व्रत का खाना है।